الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المهجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حاضرين الكرام ये बुलुग अल-मराम का तीसरा दर्स है और इस दर्स के ज़रिए से इंशाअल्लाह आज इस किताब की इब्तिदा कर दी जाएगी। ये किताब जिसका नाम बुलुग अल-मराम मिन अदिल्लत अहकाम, इस किताब के अंदर जैसा कि बयान किया गया कि मुअल्लिफ रहमहुल्लाह ने अहकाम की दलीलों से मुतालिक अहादीस को जिक्र किया है। जैसा कि हर किताब के साथ होता है और हर मुअल्लिफ अपनी किताब में सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला की हम्द व सना बयान करता है, इसी तरीके से मुअल्लिफ रहमहुल्लाह ने इस किताब को अल्लाह तबारक ताला की हम्द व सना से शुरू किया और उसके बाद मुअल्लिफ रहमहुल्लाह ने इस किताब की अहमियत को मुख्तसर अल्फाज में बयान किया और उसके बाद चंद मुस्तलाहात जो उनकी अपनी ख़ास इस्तिलाह है उस इस्तिलाह को उन्होंने ज़िक्र किया और उससे मुराद क्या चीज़ें हैं उसको भी ज़िक्र किया। उसके बाद मुअल्लिफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं किताब उत्तहारा यानी तहारत के मसाइल और उससे मुतालिका चीज़ें उससे मुतालिका अहकाम। मुहद्दिसीन और फक्हा की ये आदत रही है कि वो अपनी किताबों की इब्तिदा किताब तहारा से करते हैं। तहारत का लुग़वी माना होता है पाकी और किसी चीज़ से अपने आप को साफ रखना, बुरी और गंदी चीज़ों से अपने आप को साफ करना। तहारत को अगर देखा जाए तो तहारत दो तरीके की होती है, एक दिल की तहारत जिसे मानवी तहारत कहा जाता है यानी अपने दिल को शिर्क व बिदात से पाक व साफ रखना, और दूसरी तहारत हिस्सी तहारत होती है यानी अपने बदन को अपने कपड़ों को पेशाब पैखाने और इस तरीके से दूसरी गंदी गंदी चीज़ों से पाको साफ रखना। यहाँ पे मुअल्लिफ रहमहुल्लाह ने किताब तहारा को जिक्र किया है और यही मुहद्दिसीन और फक्हा की आदत भी रही है और इससे ये बयान करना मकसूद है कि जो इबादत इसके बाद आ रही है यानी नमाज का जिक्र जो आ रहा है उससे पहले पाकी हासिल करनी ज़रूरी है, बगैर पाकी के आपकी नमाज नहीं हो। जब तक आपका बदन आपका जिस्म आपके कपड़े पाक ना हो उस वक्त तक आपकी नमाज अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करता, जैसा कि हदीस के अंदर है ला यक़बलुल्लाहु सलातन ला यक़बलुल्लाहु सलातन इल्ला बितुहूर, कि अल्लाह तबारक व तआला पाकी के बगैर वजू के बगैर किसी नमाज को कबूल नहीं करता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दिया गया था वह थिया बका फतहिर, कि अपने कपड़ों को पाक और साफ रखें। अब ये पाकी किस तरीके से होगी, किस तरीके से हम जानेंगे कि हम अपने आप को पाक करें, किन चीज़ों के जरिए से पाकी हासिल होगी, उसका जिक्र मुअल्लिफ रहमहुल्लाह ने इसके बाद किया है। मुअल्लिफ रहमहुल्लाह कहते हैं बाबुल मियाँ, पानी का बाब, मियाँ अरबी जबान का लफ्ज है और ये माँ की जमा है और इसका इतलाक थोड़े पानी पे भी होता है और ज़्यादा पानी पे भी होता है। यहाँ पे मुअल्लिफ रहमहुल्लाह ने मुफरद के सेगे को इस्तेमाल न करके जमा के सेगे को इस्तेमाल किया है ताकि इस बात के अंदर पानी की जितने अकसाम हैं, चाहे वो बारिश का पानी हो, समंदर का पानी हो, दरिया का पानी हो, कुएं का पानी हो, ज़मीन से निकला हुआ पानी हो, इन सारे पानी की अकसाम को बयान करेंगे कि इसका हुक्म क्या है। उसके बाद
مؤلف رحمہ اللہ جو پہلی حدیث ذکر کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر هو الطهور ماؤه الحل میتته، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے تعلق سے فرمایا کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے. آگے کہتے ہیں اخرجہ العرباۃ وابن ابی شیبہ واللفظ له وصححہ ابن خزیمہ والترمذی ورواہ مالک والشافعی واحمد. اس حدیث کو اربعہ نے، یعنی امام ابو داود نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اسے مزید ابن ابی شیبہ نے بھی اپنی مصنف کے اندر ذکر کیا ہے. جو الفاظ ذکر کیے گئے ہیں یہ ابن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں، لیکن ابن ابی شیبہ کے اندر جو الفاظ ہیں اس کے اندر والحلو میں واو نہیں ہے. ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے اس کے اندر وہ طہور ماؤہ الحلو میتتہ بغیر واو کے وارد ہے. اس حدیث کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے، اور اسی اختلاف کی بنیاد پہ جیسا کہ پچھلے درسوں کے اندر ذکر کیا گیا کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ حدیث کا حکم بھی ذکر کرتے ہیں، صرف حدیث کو ذکر کر کے چھوڑ نہیں دیتے ہیں. حدیث کو ذکر کرتے ہیں، کن لوگوں نے اسے روایت کیا ہے اسے بیان کرتے ہیں، پھر اس حدیث کا حکم کیا ہے یہ بھی بیان کرتے ہیں، اور اگر اس حدیث کے سلسلے میں اختلاف ہے، حکم کے سلسلے میں اختلاف ہے، تو اس اختلاف کو بھی ذکر کرتے ہیں. یہاں پہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں وصححہ ابن خزیمہ والترمذی، اس حدیث کو ابن خزیمہ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. ورواہ مالک والشافعی واحمد، اور اس روایت کو امام مالک، امام شافعی اور امام احمد نے روایت کیا. اگر دیکھا جائے تو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے نہایت ترتیب کے ساتھ ان علماء کرام کو ذکر کیا. سب سے پہلے جن کی وفات ہوئی وہ امام مالک رحمہ اللہ ہے، اس نے ان کا پہلے ذکر کیا. ان کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ وفات کے اعتبار سے ہیں، اس لیے ان کو ذکر کیا. پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، اس لیے ان کو ذکر کیا گیا. تو یہاں پہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس ترتیب کو بھی قائم رکھا کہ جن علماء کرام کا انتقال پہلے ہوا انہیں پہلے ذکر کیا، اور جن کا بعد میں ہوا انہیں کا ذکر انہوں نے بعد میں کیا. یہ حدیث ہے، اس حدیث کے اندر جیسا کہ بیان کیا گیا تھا کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ ایک لمبی حدیث کو مختصر طور پہ پیش کر دیتے ہیں، لمبی حدیث کا اختصار کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات محل شاہد پہ اکتفا کرتے ہیں. یہاں پہ چونکہ یہ باب پانی سے متعلق ہے اور انہوں نے باب المیاح ذکر کیا، یعنی اس کے اندر وہ سمندر کے پانی کا بھی ذکر کریں گے، بارش کے پانی کا بھی ذکر کریں گے، کنویں کے پانی کا بھی ذکر کریں گے، اس لیے یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ طہور ماؤہ، کہ سمندر کا پانی پاک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حدیث اتنی مختصر نہیں ہے جتنی کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا. اس حدیث کا سبب ورود ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمان جاری کیا اس فرمان کے پیچھے ایک سوال ہے، اور وہ یہ کہ عبداللہ المدرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سمندر کا سفر کرتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سمندر پہ سوار ہوتے ہیں یعنی سمندر کا سفر کرتے ہیں، اور اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے کے چلتے ہیں، اگر ہم پانی سے وضو بنائیں تو ہم پیاسے رہ جائیں گے، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو بنا سکتے ہیں؟ یہ سوال تھا، جس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے. سوال اور جواب کو دیکھیے، تو سوال پوچھا گیا کہ کیا سمندر کے پانی سے وضو بنا سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے. اور یہی حکمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف وضو کے بارے میں پوچھا گیا اور آپ نے پانی کی پاکی بیان کی. صرف چاہتے تو یہ کہہ دیتے کہ ہاں
और सवाल का जवाब हो जाता। लेकिन उसके बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि उसका पानी पाक है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें अपने कपड़ों को धुलने की जरूरत पेश आए, अपने जिस्म को पाक करने की जरूरत पेश आए, गुस्ल करने की जरूरत पेश आए, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा पानी न गुस्ल के लिए काफी होगा, न कपड़ों को धुलने के लिए काफी होगा, और न ही बदन की नजासत को दूर करने के लिए काफी होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आम जवाब दिया, और ये आम जवाब ऐसा है जो तमाम चीजों को शामिल है। आपको किसी भी किस्म की पाकी चाहिए तो समंदर के पानी से हासिल हो जाएगी। यहां पे एक सवाल और आता है, और वो ये कि ये सवाल क्यों किया गया। पानी तो पाक है, सहाबे कराम अपने साथ पानी लेकर चलते थे, लेकिन उसके बावजूद सहाबे कराम ने सवाल क्यों किया समुद्र के पानी के ताल्लुक से, जबकि आमतौर से आप देखें तो नदी के पानी और समुद्र के पानी में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों की दोनों पानी है। और समुद्र का पानी के अंदर इतनी नजासत भी नहीं होती है कि उसे हम नजिस करार दें, लेकिन उसके बावजूद सहाबे कराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, और पूछने की वजह ये थी कि आम पानी जिसे हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम पीते हैं, और समुंदर का पानी पीने के लायक नहीं होता। समुंदर के पानी में बू होती है, और इस बू की वजह से सहाबे कराम ने यह समझा कि जो पानी पिया जाता है उसी पानी से वजू बनाया जा सकता है। जिस पानी को हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसी पानी को हम वजू बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी वजह से सहाबे कराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समुंदर के पानी के ताल्लुक से पूछा। यहां पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जवाब है, इस जवाब में मुफ्ती हजरात के लिए एक रहनुमाई है, और वो ये कि जब साइल किसी चीज के बारे में पूछे और मुफ्ती को ये लगे कि उसे मजीद चीजों की जरूरत पेश आ सकती है जो इस मसले से मुतालिक है, तो ऐसी सूरत में उसे मुकम्मल तौर से पूरा जवाब दें। यानी अगर कोई शख्स आपके पास आकर सवाल करता है और आपको लगता है कि उससे मुतालिका चीजें भी ऐसी हैं जिसकी जरूरत उसे पेश आ सकती है, तो ऐसी सूरत में उसे पूरा जवाब देना चाहिए, सिर्फ सवाल का जवाब देने पे इक्तफा नहीं करना चाहिए। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाबुल कलम में से है कि आपसे थोड़ा सा पूछा गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा जवाब दिया जो सारे हालात को शामिल। मिसाल के तौर पे एक शख्स सफर करता है और समुंदर के सफर में उसका जो तोशा होता है वो तोशा खत्म हो जाता है। अब उसे समुंदर के ऊपर मछली नजर आती है, या उसके पास मछली के शिकार करने का आला मौजूद है, तो क्या वो मछली का जो मुर्दार है उसे खा सकता है? वो भूखा है, प्यासा है, और उसे समुंदर के ऊपर मछली तैरती हुई नजर आ रही है, तो क्या उस मछली को इस्तेमाल कर सकता है? उसे इसका खाना जायज है या जायज नहीं? जाहिर सी बात थी, सहाबी जब इन्होंने जब वजू के ताल्लुक से पूछा तो उन्हें मजीद जरूरत पेश आ सकती थी। कभी ऐसा भी हो सकता था कि समुंदर के अंदर मौजें होती और वो महीनों समुंदर के अंदर पड़े रह जाते, और ऐसी सूरत में उनका सारा तोशा खत्म हो जाता और उन्हें मछलियां जो समुंदर के ऊपर मर कर तैर रही हैं उन्हें खाने की जरूरत पेश आती, तो ऐसी सूरत में क्या करते? दोबारा आते और आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते। इसलिए कि सारे लोग ये जानते थे, उस वक्त सहाबे कराम ये जानते थे कि मुर्दार का खाना हलाल नहीं है। कुरान के अंदर भी कहा गया कुर्रिमत अलैकुमुल्मैता कि तुम्हारे ऊपर मुर्दार को हराम करार दिया गया है। तो ये उमूमी लफ्ज था जिससे ये जहन के अंदर आ सकता था कि समुंदर के अंदर जो मछलियां ऊपर तैरती हैं, जो मछलियां मर चुकी हैं और ऊपर तैर रही हैं, उनका भी खाना जायज नहीं है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वाज़ह अंदाज में फरमा दिया अल-हिल्लु मैतुहु, कि उसका मुर्दार हलाल है। इस हदीस से हमें एक और चीज मिलती है, और वो ये कि अगर कोई शख्स हालत सफर में है या किसी ऐसे मकाम पे है जहां उसके पास पानी तो मौजूद है, लेकिन अगर उस पानी को इस्तेमाल करता है
तो ऐसी सूरत में उसका पानी खत्म हो जाएगा और प्यासा रह जाएगा, तो इस सूरत में वो क्या करेगा। यहाँ तो हदीस के अंदर जिक्र किया गया कि वो समुंदर के पानी से वजू बना लेगा, लेकिन किसी ऐसे मकाम पे हो, समुंदर के अंदर ना हो, किसी ऐसे मकाम पे हो जहां पानी मैसर ना हो और उसके पास थोड़ा सा पानी हो। अगर उस पानी को इस्तेमाल करता है तो प्यासा रह जाता है, या थोड़ा सा पानी है अगर उस पानी को वो अपने जानवर को देता है तो ऐसी सूरत में वजू नहीं बना सकता, अगर वजू बनाता है तो जानवर और वो प्यासा रह जाएगा। तो इस सूरत में वो तयम्मुम करेगा अगर उसके पास पानी मौजूद है। इस हदीस से हमें जो मिलता है, साहबी ने क्या कहा कि हमारे पास पानी मौजूद है, अगर हम उस पानी को से वजू बनाएंगे तो हम प्यासे रह जाएंगे। अगर ये शख्स से अपने पास पानी जो मौजूद है उससे वजू बनाता है तो प्यासा रह जाता है। तो इस सूरत में शरीयत के अंदर एक दूसरा बदल मौजूद है, रुख्सत मौजूद है, और वो ये कि वो शख्स तयम्मुम करेगा। और इस तयम्मुम को हम इसी हदीस से लेंगे, उसके पास पानी मौजूद है लेकिन वो पानी काफी नहीं है, इसलिए वो तयम्मुम करेगा, उस पानी को इस्तेमाल नहीं करेगा। दूसरी जो चीज इस हदीस से हमें मिलती है, इस हदीस के अंदर है वो नहिल्लु मैतत्व, कि उसका मुर्दार हलाल है। उलमाए किराम के दरमियान इख्तिलाफ है कि अगर मछली मर जाती है और मरने के बाद फूल कर ऊपर तैर रही हो तो ऐसी सूरत में उसका इस्तेमाल जायज है या जायज है। उलमाए अहनाफ के यहाँ अगर मछली मर जाती है और मरने के बाद फूल जाती है और फूल कर ऊपर समुद्र के तह पे या दरिया के ऊपरी हिस्से पे वो तैर रही है तो ऐसी सूरत में उसका खाना जायज है। इस सिलसिले में उन्होंने कुछ ज़ईफ अहादीस से इस्तदलाल किया है, लेकिन बज़ाहिर उनके यहाँ जो कराहत और जो हुरमत पाई जाती है वो इस वजह से कि जब मछली फूल जाती है तो उसके अंदर बदबू पैदा हो जाती है और उस बदबू पैदा होने की वजह से उसका खाना मकरूह है। तो हकीकत में अगर मछली फूल जाती है और फूलने के बाद उसके अंदर सड़ान पैदा हो जाती है और उसका खाना बदन के लिए मुदिर है तो ऐसी सूरत में शरीयत उसे खाने से मना करती है। शरीयत हर उस चीज के खाने से मना करती है जो आपके बदन या अक्ल को नुकसान पहुंचाए। तो अगर मछली की यह सूरत है कि उसके अंदर सड़ान मौजूद है और अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके बदन और अक्ल पे असर अंदाज होगी तो उसका खाना शरीयत के मुताबिक, शरीयत के उसूल के मुताबिक जायज नहीं है। लेकिन अगर मछली फूली हुई है और उसके अंदर सड़ान मौजूद नहीं है और उसका खाना आपके सेहत के लिए मुजिर नहीं है तो ऐसी सूरत में आप उसे खा सकते हैं, इसलिए कि हदीस के अंदर कहा गया है कि उसका मुर्दार हलाल है और हदीस के अंदर कोई तायीद नहीं की गई है कि फूल जाए तो खाना जायज नहीं है और न फूले तो खाना जायज है। इसलिए अमूमी तौर से इस तरह की जो मछलियां हैं जो फूल जाती हैं लेकिन उसके अंदर सड़ान नहीं पैदा होती, वो आपकी सेहत के लिए मुजिर नहीं है तो उसका खाना आपके लिए जायज है। इसी हदीस से उलमा इकराम ने इस्तदलाल किया है कि समुंदर के तमाम जानवर, दरिया के तमाम जानवर, चाहे वो मछली की शक्ल में हो, जानवर की शक्ल में हो या किसी दूसरे शक्ल में हो, वो सारे के सारे, उन सारे के सारे मुर्दार का खाना आपके लिए हलाल है। चाहे वो समुंदरी सुअर हो, समुंदरी कुत्ता हो, समुंदरी कोई भी जानवर हो, अगर वो मर जाता है तो ऐसी सूरत में उसका खाना हलाल है। अगर वो जिंदा है, आप उसका शिकार कर रहे हैं, तब भी आपके लिए उसका खाना हलाल है। ये बात उलमाए किराम का मौकिफ है। इस सिलसिले में जो दूसरा कौल है वो ये कि समुंदरी खिंजीर और समुंदरी कुत्ते का खाना जायज नहीं है, बाकी चीजों का खाना जायज। इमाम मालिक रहमतुल्लाह से पूछा गया कि समुंदरी खिंजीर के बारे में आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग उसका नाम खिंजीर यानी सुअर रखते हो और सुअर को कुरान करीम के अंदर हराम करार दिया गया है, इसलिए उसका खाना जायज नहीं होगा। इसी तरीके से कुत्ते के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि उसका खाना जायज नहीं है। बाज़ उलमाए किराम इस सिलसिले में
एक उसूल बयान करते हैं और ये उसूल इंतहाई मुनासिब भी नजर आता है, और वो ये कि हर वो जानवर जो खुश्की पे हराम है वो समुंदर के अंदर अगर मौजूद है तो वो हराम है, और हर वो जानवर जिसके अंदर आपके बदन और सेहत के लिए नुकसानदह चीज पालू पाया जाता है तो वो चीज़ हराम है। तो जितने भी आबी जानवर पाए जाते हैं जो जिनके अंदर आपकी सेहत के लिए मुदिर असर पाया जाता है तो वो चीज़, वो जानवर आपके लिए हराम है। एक बाकी चीज रह गई और वो ये कि मेंढक, मेंढक हलाल है या हराम? हदीस के अंदर आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंढक को कत्ल करने से हराम, कत्ल करने से मना फरमाया है। एक सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं मेंढक से दवा बनाना चाहता हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना फरमाया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंढक को कत्ल करने से मना फरमाया, और इससे उलमाए कराम ने यह बात अख्ज की है कि मेंढक का खाना हलाल नहीं है और न ही उसको दवाओं में इस्तेमाल करना हलाल है। खुलासा ये कि आबी जानवर जो खुश्की पे हराम है उनका पानी के अंदर अगर वो या शिकार किए जाते हैं या पानी के अंदर मर जाते हैं तो उनका खाना हलाल नहीं होगा। इसी तरीके से हर वो आबी जानवर जिसके अंदर नुकसानदेह पहलू है उसका खाना जायज नहीं है। इसके बाद जो हदीस अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह ने जिक्र की है वो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। वन अबी सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجس شيء। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक पानी पाक है और उसे कोई भी चीज नजिस नहीं करती। पानी के ताल्लुक से सबसे पहले जिक्र कर दूं कि जमहूर उलमाए कराम के नज़दीक पानी की तीन किस्में हैं। पानी की तीन किस्में हैं, एक पाक पानी और दूसरा पाक और पाक करने वाला पानी और तीसरा नजिस यानी नापाक पानी। पानी की जमहूर उलमाए कराम के नज़दीक तीन किस्में हैं, तहूर जिसका जिक्र पीछे हदीस में आया है और जिसके ताल्लुक से अल्लाह तबारक तआला फरमाता है वअंज़लना मिनस्समाई माअन तहूर कि हमने आसमान से पाक पानी नाज़िल किया। तहूर का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसका माना होता है कि जो बजाते खुद पाक हो और उसके अंदर पाक करने की सलाहियत मौजूद हो, इसे तहूर कहा जाता है। समुंदर के ताल्लुक से भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि समुंदर का पानी तहूर है यानी बजाते खुद पाक है और उसके अंदर पाक करने की सलाहियत मौजूद है। दूसरी किस्म होती है पानी की जिसे ताहिर कहा जाता है, यानी वो पाक है लेकिन उसके अंदर पाक करने की सलाहियत मौजूद नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे ज़ाफ़रान का पानी, इसी तरीके से गुलाब का पानी, इस तरह के जो पानी जिसके साथ दूसरी चीज़ें मिला दी जाती हैं तो उस सूरत में पानी की हैत तब्दील हो जाती है, वो तो लेकिन वो पानी पाक होता है और लेकिन उसके अंदर पाक करने की सलाहियत मौजूद है। आप वजू बनाते हैं, आपके वजू का पानी जो इस्तेमाल होता है वो गिरता है, वो पानी पाक होता है लेकिन उसके अंदर पाक करने की सलाहियत मौजूद नहीं होती। आप गुस्ल करते हैं, जो पानी आपके गुस्ल आपके बदन से होते हुए ज़मीन पे गिरता है वो पानी पाक होता है लेकिन इसके अंदर पाक करने की सलाहियत मौजूद नहीं होती। ये दूसरी किस्म है। तीसरी किस्म होती है नजिस पानी की यानी नापाक पानी की, और नापाक पानी वो है जिसके अंदर नजासत चली जाए और उसकी हैत तब्दील हो जाए। यहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी पाक है उसे कोई भी चीज़ नजिस नहीं कर सकती है। अब ये बहुत बड़ा मसला है कि पानी पाक है उसके अंदर चाहे कितनी ही नजासत पहुंचे वो उसे नजिस नहीं कर सकती है, लेकिन इस हदीस का भी सबब वरूद है। मुअल्लिफ रहमतुल्लाह ने सिर्फ एक टुकड़ा जिक्र किया है और इसके पीछे एक पूरा वाकया है। और वाकया क्या है
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، انتوضؤ من بئر بضاء، کیا ہم بضاء کنویں کے پانی سے وضو بنائیں؟ صحابہ کرام عام طور سے ان کا جو تعلق ہوتا تھا وہ عبادات سے زیادہ ہوتا تھا. پیچھے بھی سوال کیا گیا وضو کے تعلق سے، یہاں بھی سوال کیا جا رہا ہے وضو کے تعلق سے، اس لیے کہ نماز کی اہمیت ان کے یہاں مسلم تھی اور وہ اس نماز کی اہمیت کو جانتے تھے اور نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. اور چونکہ پانی اس زمانے میں بکثرت مہیا نہیں تھا، اس لیے وہ ہمیشہ پانی کے تعلق سے سوال کرتے تھے. یہاں بھی جو سوال کیا گیا وہ یہ کہ کیا ہم بئر بضاء یعنی بضاء کنویں کے سے وضو بنائیں. بضاء کنواں کا معاملہ کیا تھا کہ اس کے اندر حیض کے کپڑے، مرے ہوئے کتے اور گندگیاں ڈالی جاتی تھی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن حدیث کا جو لفظ ہے وہ اگرچہ اس بات پہ دراز کرتا ہے کہ اس کے اندر ڈالا جاتا تھا، لیکن حقیقت میں ڈالا نہیں جاتا تھا. ہوتا کیا تھا، جیسا کہ امام خطابی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب بارش ہوتی اور سیلاب آتا، پانی بہتا، تو حیض کے کپڑے جو ادھر کوڑے کسی کوڑے کے مقام پہ ڈالے جاتے تھے، اسی طریقے سے کتے جو مرے ہوئے ہوتے تھے اور گندگیاں جو موجود ہوتی تھی راستے یا راستے کے کنارے میں، تو ان ساری چیزوں کو بہاتا ہوا پانی اس سے کنویں میں ڈال دیتا تھا. تو اس طریقے سے ساری گندگیاں اس کنویں میں پہنچ جاتی تھیں. تو ظاہر سی بات ہے حیض کے کپڑے پہنچتے تھے اور مرے ہوئے کتے اس میں پہنچتے تھے، گندگیاں پہنچتی تھیں. اب اس پانی سے وضو بنایا جائے یا وضو نہ بنایا جائے، صحابہ کرام کو تردد ہوا. صحابہ کرام نے پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماء طہور لا ينجس شيء، کہ پانی پاک ہے اسے کوئی بھی چیز نجس نہیں کرتی. تو یہ حدیث کا پس منظر ہے کہ کنویں کا پانی پاک ہے اسے کوئی بھی چیز نجس نہیں کرتی، یعنی کنویں کے پانی میں اگر نجاست چلی جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ پانی پاک ہوتا ہے، اسے کوئی بھی چیز نجس نہیں کرتی. اس حدیث کے تعلق سے بھی علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے. علماء کرام میں سے بعض علماء کرام اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، جبکہ امام احمد رحمہ اللہ اور اسی طریقے سے دوسرے علماء کرام اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں. اور یہی راجع قول ہے کہ یہ حدیث اپنے شواہد اور اپنے متابعات کی وجہ سے یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث قابل عمل ہے. یہاں پہ حدیث کے اندر کہا گیا کہ ان الماء طہور، کہ پانی پاک ہے. عربی زبان میں جب کسی چیز کے ساتھ الف لام داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کے اندر استغراق کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی پانی کی تمام قسمیں پاک ہیں، چاہے وہ سمندر کا پانی ہو، چاہے وہ بارش کا پانی ہو، چاہے وہ کنویں کا پانی ہو، چاہے وہ دریا کا پانی ہو، تو پانی کی ساری قسمیں پاک ہیں. یہ عموم ہے، اس عموم سے بہت ساری چیزیں نکال دی گئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر پانی پاک ہے، لیکن عمومی طور سے جو پانی پایا جاتا ہے سمندروں کا یا دریاؤں کا یا بارش کا یا اسی طریقے سے کنویں کا، یہ سارے کے سارے پانی پاک ہیں اور اسے کوئی بھی چیز نجس نہیں کر سکتی. حدیث کے اندر کہا گیا لا ينجس هو شيء، کہ کوئی بھی چیز اسے نجس نہیں کرتی، چاہے کوئی بھی چیز اس میں ڈالے گندگی جائے، جیسا کہ اس کے اندر حدیث کے اندر ذکر کیا گیا، چاہے دوسری چیزیں ڈالی جائیں تو اس کے باوجود پانی نجس نہیں ہوتا. لیکن یہ اتنے عموم کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ تھوڑا پانی ہو یا زیادہ پانی ہو آپ اس میں گندگی ڈالیں تو ایسی صورت میں وہ نجس نہیں ہوتا، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، جیسا کہ اگلی حدیث کے اندر آئے گا انشاءاللہ، کہ جب پانی دو کلے کے برابر، اور کلہ کہتے ہیں بڑا سا گھڑا جو قبیلہ ہجر کے کا گھڑا اس وقت مشہور تھا صحابہ کرام کے یہاں اور عرب کے اندر بھی وہ گھڑا مشہور تھا، اسی گھڑے کی جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب پانی دو گھڑے کے برابر ہو، یعنی 300 لیٹر سے زائد ہو، تو ایسی صورت میں اگر اس میں نجاست پڑ جاتی ہے تو
तो वो नजासत उसे तब्दील नहीं करती और पानी अपनी जगह पे बरकरार रहता है और पानी पाक होता है। अगली जो हदीस है उस हदीस के अंदर मजीद वजाहत है और वो हदीस हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। वा नबी उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه। حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک پانی کو کوئی بھی چیز نجس نہیں کرتی الا یہ کہ اس کے بو پر یا اس کے ذائقے پہ یا اس کے رنگ پہ غالب آ جائے, یعنی اگر اس کے اندر نجاست پڑتی ہے और नजासत की वजह से पानी का रंग तब्दील हो जाता है या नजासत उसमें पड़ती है और नजासत पड़ने की वजह से उसका जायका तब्दील हो जाता है या नजासत पड़ती है और नजासत पड़ने की वजह से पानी की के अंदर बू पैदा हो जाती है, तो ऐसी सूरत में वो पानी नापाक हो जाता है और वो पानी पाक नहीं रहता। जो हदीस है اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث कि अगर पानी दो कुल्ला हो दो घड़े के बराबर हो तो ऐसी सूरत में वो नजासत को बर्दाश्त कर लेता है और नजासत को लेता नहीं, यानी नजासत उसके अंदर डाली जाती है तो वो पानी नजिस नहीं होता। ये हदीस इस बारे में भी उलमाए कराम का इख्तलाफ है, लेकिन सही राय इस हदीस के ताल्लुक से यही है कि यह हदीस सही है और इसी हदीस को बुनियाद बनाया गया है ज़्यादा और कम पानी के दरमियान फ़र्क करने में, यानी अगर पानी 300 लीटर से ज़्यादा है तो ऐसी सूरत में अगर उसमें नजासत पड़ जाती है तो नजासत उसे नुकसान नहीं पहुंचाती है इल्ला ये कि उसकी बू उसका जायका या उसका रंग तब्दील हो जाए। लेकिन अगर 300 लीटर से कम है और उसके अंदर नजासत पड़ जाती है तो ऐसी सूरत में वो पानी नापाक हो जाता है, चाहे उसकी उसका बू उसका रंग और उसका जायका तब्दील हो या तब्दील ना हो। तो इस तरीके से उलमाए कराम ने इस हदीस को लेकर ज़्यादा और कम पानी के दरमियान तफरीक की है कि अगर पानी ज़्यादा है तो ऐसी सूरत में नजासत उसमें डाल दी जाती है, नजासत पड़ जाती है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पानी 300 लीटर से कम है या 300 लीटर है तो ऐसी सूरत में जो है अगर नजासत पड़ जाती है तो वह पानी नजिस हो जाता है, फिर उसके अंदर वह कायदा नहीं देखा जाएगा। तो ये पानी के ताल्लुक से चंद बातें थी जिसे मुअल्लिफ़ रहमतुल्लाह ने जिक्र किया है। इसके अंदर मज़ीद भी चंद बातें हैं लेकिन इंशाअल्लाह सुभान व तआला उसे अगले दरस में आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह तबरक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबरक तआला हमें जिन बातों को हमने सुना उससे फ़ायदा पहुँचाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।